गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर्स में सीखने वाले हैं कि कैसे एंगल फाइंड आउट किया जाता है। कि स्पेस में हम आपको बताते हैं कि हम इस तरह से बताते हैं कि स्पेस में हमें कहते डायरेक्शन कोसाइंस कि वो एक वेक्टर है तो इसके साथ इसके साथ और इसके साथ कौन सा एंगल बनाएंगे, दैट्स द डायरेक्शन कोसाइंस। अब कॉस थीटा कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें साफ साफ दे दिया कि एंगल का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब आपको ए मैग्नीट्यूड दे दिया √3, बी मैग्नीट्यूड दे दिया 2 और ए डॉट बी दे दिया √6। जस्ट हमें एंगल बता दो, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी अपॉन में ए मॉड। तो ये आ गया √6 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई 2, इससे कैंसिल किया तो √2 और इससे ये कैंसिल किया √2, क्या आ गया 1/√2। cos थीटा आ गया 1/√2, तो 1/√2 कहाँ होता है, 5/4 पे, तो मैं इसे cos 5/4 लिख सकती हूँ। तो थीटा मेरा कितना आ गया 5/4, कौन सा एंगल बना रहे थे, आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं इस पे बात कर रहे हैं कि दो वेक्टर हैं तो वो आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं, दैट इज बात। अब ये तो हमें डायरेक्ट दे दिया, अब हमें सेकंड क्वेश्चन में ए और बी इस तरह से दे रखे हैं, हम फाइंड आउट करना। तो ए मोड कैसे फाइंड आउट किया था, कैसे किया था हमने, ध्यान आ रहा है आपको कि ए मोड रूट में लिए थे, इसके डायरेक्शन रेशियो जो थे मींस इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना आ गया 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14। बी मोड किस तरह से निकलेगा, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, कितना आ गया हमारा, दोनों के कितने आ गए √40। अब ए डॉट बी निकालना है, ये ध्यान से देखिए, ये आपका पहले नियम था, कैसे करना है, आई वाले के कोफिशिएंट को आई वाले से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 3 3 प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई 3, कितना आ गया 3 3 9, 9 एंड 4 कितना आ गया हमारा, ये 13, कितना आ गया ये 13, एक मिनट सोचो, 4 3 7, 7 एंड 3 10। अब ये वैल्यू अपने कोस थीटा में पुट कर दो, क्या था कोस थीटा, ए डॉट बी ए मोड अपॉन में बी मोड, ए डॉट बी 10 अपॉन में √14 × √14, यही निकलेगा 10 अपॉन √14 × √14, तो ये क्या आ जाएगा 10/14, 10/14 मींस 5/7। अब cos थीटा ये तो हमें पता है कि 5/7 कुछ नहीं होता, तो हम इसकी किस लाइन से लिख देंगे, cos इनवर्स 5/7, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स 5/7। दिस इज द मेथड हाउ वी फाइंड आउट एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या व्हेन एवर द वेक्टर्स आर। इसका एक फोर्थ सम है, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है, थर्ड फोर्थ सम में है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, क्या है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, हमें वेक्टर की प्रोजेक्शन बतानी है i+3j+7, क्या क्वेश्चन है i+3j+7 के, हमें क्या बताना है, इस वेक्टर की प्रोजेक्शन बतानी है ऑन द वेक्टर, किस वेक्टर के ऊपर बतानी है, 7i-j+8k इसके ऊपर बतानी है, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन बताने का मीनिंग भी कहीं ना कहीं यही है कि वैसे एंगल से रिलेटेड है, तो इसको जब हम प्रोजेक्शन ऑफ ए बताएंगे, क्या बताएंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन
ए डॉट बी, ए की पेपर बताने ना, तो अपॉन में बी मॉड क्या लगेगा, ए डॉट बी अपॉन में बी मॉड। ए डॉट बी निकाले 1 × 7 7, 3 × 1 − 3 7 × 8 56, अपॉन में बी मोड क्या आ जाएगा 49 + 1 + 56, यही बनेगा 56 + 4 60, और ये आ जाएगा 49 और 1 50, और सॉरी एक मिनट, 7 i बी मोड बताना है ना, 7² + 1 8² 64, तो ये हो गया 50 50 और 64 140, तो आपका प्रोजेक्शन क्या आ गया 60 by √114। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो इसके फोर सम मैंने करवा दिए हैं, आप इसके 1 to 5 सम या 1 to 7 सम जितने आप कर सकते हैं आप इसे अपनी फेयर नोटबुक पे अटेम्प्ट करेंगे। क्या था मेन, इसमें हमें कोस थीटा एंगल बताना था, ए डॉट बी अपॉन में ए मॉड बाय बी मॉड इनटू में, और वहाँ से हम जो था थीटा की वैल्यू जो है उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके थैंक।